अवैध खनन जोरों शोरों से किया जा रहा है। हर दिन लगभग 300 से 400 ट्रिप ट्रैक्टर और अन्य वाहन के माध्यम से ढुलाई किया जाता है, जहां पर शासन को राजस्व की हानि हो और साथ ही साथ ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के ऊपर स्पीड होने के कारण रोड के किनारे बसे लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारी को दिए जाने के पश्चात आज तक किसी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इसी कारण रेत माफिया के हौसले बुलंद भी नजर आ रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नाम न लिखने के शर्त पर बताया गया कि यदि रेत माफियाओं को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पकड़ा जाए तो कुछ नेताओं सहित अन्य कई बड़े माफिया के फोन भी आते हैं और वहीं कई जगह घटना होने के बाद अधिकारी डरे सहमे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनपुर से संवाददाता पंकज शुक्ला। पंकज, क्या कुछ पूरा मामला है, लापरवाही किसकी सामने आ रही है और क्या कुछ अब जांच का विषय है और क्या इस पे सही में कोई एक्शन लेने को सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, बता दूं जैसा कि मामला लखनपुर कबीला जिले के लखनपुर का है, जहां काफी मात्रा में रेल नदी पर होती है और यहां अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है और रेत माफियाओं खुलेआम अपने ट्रैक्टर में भरकर रेत बेच रहे हैं, शासन को लाखों और राजस्व की चपत लगा रहे हैं। बता दूं कि प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है, कई थानों के सामने से रेत से भरे ट्रैक्टर निकल जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब माफियाओं के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ट्राली और डंपर भरकर रेत का परिवहन करने में जैसे खनिज विभाग की सांप काट हो वैसा प्रतीत होता है। तो पंकज, जो ये पूरे रेत माफिया है और ये अवैध खनन इतने धड़ल्ले से किया जा रहा है, तो क्या इस पे कोई एक्शन होना संभव नहीं है? क्या कोई टीम गठित नहीं की गई? आमजन को इन लोगों की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, बता दूं मैं आपको कि जैसा कि अभी सैकड़ों ट्राली डंपर भरकर रेत का परिवहन कर रहे हैं, खनिज विभाग की साठ गांठ से हो रहा है और उसके अलावा यानी कि माना जा रहा है कि मिली भगत सामने आ रही है। अब पंकज, क्या कोई मिली भगत सामने आ रही है? रेत से निकालने का अवैध कारोबार जारी है। अब पंकज, क्या कोई मिली भगत सामने आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें खनिज विभाग की पूरी पूरी सहयोग प्राप्त है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना 200-300 ट्रैक्टर रेत परिवहन का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है और रेत माफिया जो है उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। और बड़ी बात तो ये है कि इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण रेत की मांग बढ़ गई है, जिससे रेत के कारोबारियों की बल्ले बल्ली हो गई है। ये कि खनिज अधिकारी से बात करने की हमारे द्वारा कोशिश की जाती है लेकिन महिला खनिज अधिकारी के द्वारा टाल मटोल करते हुए बहाना बहाकर निकल लेती है। इनके लिए एक्शन लेने के लिए क्या उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है इस पूरे मामले से? जी, आप हमारे द्वारा खनिज अधिकारी से काफी बार मिलने का प्रयास किया गया लेकिन मैडम के द्वारा जो है टाल मटोल करके वो कहती है कि क्या बोलते हैं ऑडिट वाले आए हुए हैं, कलेक्टर साहब बुला रहे हैं, टाल मटोल करके निकल लेती हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खनिज विभाग की मिली जगह पे रोजाना जो है बिना पीठ फाट के धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार जारी है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध रेत कारोबार के ऊपर कार्रवाई होती है या कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो जिले में कई जगहों पर अवैध खनन लगातार जारी है और तमाम जो आमजन है वो इन सब चीजों की वजह से परेशान भी दिख रहे हैं लेकिन उच्च अधिकारियों को अवगत अब करवाया गया है। अब किस तरह का रुख उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पे अपनाते हैं ये देखने वाली बात है।